स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को बुलाई गई जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ बैठक को लेकर कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ कर दिया। कांग्रेस ने इस बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर इस बैठक में शामिल होंगे। गुलाम अहमद मीर का कहना है कि एक बैठक का निमंत्रण बना किसी एजेंडे को भेजा गया है। गुलाम नबी आज़ाद पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, ताराचंद डिप्टी सीएम होने के नाते और मैं प्रदेश पार्टी अध्यक्ष होने के नाते बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस के जम्मू कश्मीर मामलों के कोर समूह ने इस मामले पर फैसला लेने के लिए बैठक की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाले कांग्रेस के समूह में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद, कर्ण सिंह, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और गुलाम अहमद मीर शामिल हुए थे। बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस 24 जून को होने वाली इस बैठक में शामिल होगी। इससे पहले मंगलवार को ही गुपकार जन घोषणा पत्र गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होगा। ये घोषणा अब्दुल्ला के गुफकार रोड स्थित आवास पर केंद्र के निमंत्रण को लेकर चर्चा करने के लिए बुलाई गई पीएजीडी नेताओं की बैठक के बाद की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता एमवाई तारिगामी सहित घटक दलों ने नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल्ला के आवास पर 11 बजे पहुंचे। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने पिछले दो दिन बैठक करके विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पीएम मोदी की तरफ से दावतनामा आया है और हमें उसमें जाने वाले की ज़रूरत है। महबूबा जी, मोहम्मद तारिगामी साहब और मैं पीएम मोदी की बैठक में शामिल होंगे। उम्मीद है कि हम वहाँ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के सामने अपना एजेंडा रखेंगे। प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर अब्दुल्ला ने आगे कहा, हम में से जिनको भी बुलाया गया है हम लोग जा रहे हैं, हम सब बात करेंगे। हमारा मकसद सभी को मालूम है, वहाँ पर आप हर बात बोल सकते हैं, उनकी तरफ से कोई एजेंडा तय नहीं हुआ है। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सीटीडी न्यूज़ और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।